नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलन हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ वंशिका पांडे। उम्मीदों के साथ आज 2021 के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में जश्न मनाकर 2021 का स्वागत किया गया। इस नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस समारोह में झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। आइए देखते हैं इस पे पुलन हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह है और जिंदगी में रोशनी लाने वाली आवास योजना है। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का उत्तम उदाहरण है और हमें इसके पीछे की बड़े विजन को भी समझना चाहिए। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी। ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा सस्ती और आरामदायक घर तैयार होंगे। उन्होंने कहा, विशेषज्ञों को तो इसके बारे में पता है लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज तो ये तकनीक एक शहर में इस्तेमाल हो रही है लेकिन कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। ये परियोजनाएं हमारे योजनाकारों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और छात्रों से सीखने के लिए उष्मायन केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा, देश में आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा, शहर में रहने वाले गरीब हों या मध्यम वर्ग, इन सबका सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, वो घर जिसमें उनकी खुशियां, सुख दुख, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है। लेकिन बीते वर्षों में लोगों का अपने घर को लेकर भरोसा टूटता जा रहा था। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।